निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने डिप्टी सीएम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन पत्र दाखिल। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर रीवा जिले से है जहां निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने डिप्टी सीएम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में रीवा से जीतने वाले निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्र ने आज 2 अप्रैल को संसदीय चुनाव के वास्ते मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें रीवा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। रीवा की जनता से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़क, रेलवे, हवाई की, जहाज़ की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना, बढ़ाना, सिंचाई का, जैसे अभी डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि सिंचाई के रकबे को 9 लाख एकड़ तक पहुंचाना, पर्यटन की संभावनाएं अपार हैं, उनको प्रदेश सरकार के सहयोग से आगे बढ़ा करके पर्यटन उद्योग को बढ़ाना, रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन जो जिसका सर्वे पूरा हो गया था, DPR बनाना कोरोना की वजह से रुका था, उसको भी आगे पूरा करने का प्रयास करेंगे और ज़िले में कुपोषण से मुक्ति के लिए मुनगा लगाने का भी काम करेंगे। और मेरा ये संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में हर घर में एक मुनगा का पेड़ हो जाएगा, जिससे बच्चों का कुपोषण, माताओं की रक्तल्पता और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि, ये हमारा निजी अपना एक नया प्रयोग जो हम करते हैं, उनमें एक नया प्रयोग ये भी रहेगा। ये सारे और नीम के बाद मुनगा हमने लिया है, पहले नीम था अब मुनगा हो गया है, मुनगे के लिए भी काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ सांसद जनार्दन मिश्र नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज विधायक व गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह एवं अन्य नेता भी मौजूद रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। पार्टी के प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन पत्र के पूर्व सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और भारी जनसैलाब के साथ, जनता में काफ़ी उत्साह का टकान उत्साह के साथ आज उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है। और हम सब को पूरा भरोसा है कि रीवा की जनता अपना पूरा आशीर्वाद देगी, प्रचंड वोटों से जनार्दन जी चुनाव जीतेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके और देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का जो यात्रा है उसको पूरी करेंगे। आगे क्या, आगे चुनाव कि क्या स्थितियां, क्या देख रिकॉर्ड वोटों से जीत भाजपा की होगी, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत दुनिया का एक आर्थिक महाशक्ति वाला देश बनेगा। सीएम साहब आए थे क्या? सीएम साहब आए थे, हमने उनको धन्यवाद दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान इसी जगह पर आप लोगों ने हमसे पूछा था कि इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे, तो हमने कहा था 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई का पानी है उसको 2 साल में 6 लाख एकड़ पहुंचाएंगे और 5 सालों में 9 लाख एकड़ तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और रीवा ज़िले को 1-1 इंच ज़मीन को सिंचित कर देंगे। तो अभी 3 महीने हुए सरकार बने, मैंने भरी सभा में आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि 6,000 करोड़ रुपया 9 लाख एकड़ तक सिंचाई का रकबा हो जाए, इसके लिए जो परियोजना का प्रस्ताव बना था उसको कैबिनेट ने आचार संहिता लगने के पहले ही मंजूर कर दिया है। इसलिए अब हमें 5 वर्ष सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव को मंजूर न तो बनवाना पड़ेगा ना मंजूर करना पड़ेगा। शुरू के 3 महीने में वो काम कर दिया तो चुनाव के पहले मैंने इसी जगह पर आपसे बोला था। तो भाजपा जो कहती है वो करती है, हमारा मिशन है देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और रीवा ज़िले को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर ज़िला बनाना। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।